हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों के को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑनरेबल आडवाणी जी ऑन रिसीविंग द भारत रत्न। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को, और क्या कह सकते, बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका, लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं।